Good morning. Good morning, dear student. Welcome. In this video, I am going to resume my previous story named An Angel in Disguise, written by T.S. Arthur. From page number 82, I am going to resume this short story, and we will try to cover into two or three videos. It will take at least two or three videos to complete the chapter line by line. Okay, please follow the lines. Look at her kindly, Jen. Speak to her. Shut Joy. Joy apni wife ko instruct karta hai. Joy instructed his wife that please put some drop of modesty in your heart towards that Sheik Pauper girl. Kahin na kahin apne heart को आप मॉडरेट कीजिए, आप जो है उससे अच्छे से बात कीजिए, काइंडली बिहेव कीजिए. थिंक ऑफ हर डेड मदर. वो उसके प्रीवियस सिचुएशन को वहाँ पे डील करता है अपनी वाइफ को, कि आप जो है उसकी मदर के बारे में सोचिए जो मर चुकी है, उसके अकेलेपन के बारे में सोचिए, उसके दुख और तकलीफ के बारे में सोचिए जो उसके आने वाले लाइफ में उसको मिलने वाला है. एंड द सॉरो दैट मस्ट बी ऑन all her coming life. Okay, the softness of his heart gave unwanted eloquence to his lip. जो ये softness रहती है उसके heart में जो Thompson के, जो उसके अंदर में kindness रहती है, उसके lip को जो है ना अनायास ही, मतलब वो जो चीज़ें नहीं भी बोलना चाह रहा है उसके emotions को उसके lips जो है वो बयां करने लगते हैं या बताने लगते हैं. Mrs. Thompson did not reply. Mrs. Thompson वहाँ पे रहती हैं, वो कोई apply नहीं करती हैं, but presently turned towards the little chamber with her husband had deposited Maggie. वो कुछ वहाँ पे बोलती नहीं है और सीधा उधर मुड़ जाती है जिधर little Maggie deposited है. That means little Maggie जहाँ पे rest कर रही है वो वहाँ पे पहुँच जाती है. Pushing open the door, वो दरवाज़ा खोलती है. Went quietly, went very calmly into the room. वो बहुत ही चुपचाप तरीके से, मतलब बहुत ही शांत मैनर में वो घर में जाती है. Didn't follow, लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड जो जोय थॉमसन है वो उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो ये चीज़ देखा रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ का स्टेट, मेरी वाइफ का कंडीशन, मेरे वाइफ का जो हार्टली जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. उसके हार्ट में जो है हैप्पीनेस क्रीप कर चुकी है, वो काइंडनेस क्रीप कर चुकी है, जो आने वाले समय में उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. एंड felt that it would be best to leave her alone with the child. और ये समझता है वो कि इसको अकेले ही छोड़ देना ज़्यादा उचित होगा. So he went to his shop which stood near and worked until dusky evening release from his labor. और वो अपने घर के पास में मौजूद जो उसकी दुकान रहती है कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना काम करना शुरू करता है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ही हैज अ शॉप, ही वॉज अ विल राइटर एंड द शॉप वॉज नियर टू हिज हाउस. उसके घर के पास ही वो शॉप रहती है, इस वजह से उसके घर का सारा व्यू उसके दुकान से नजर आता है, या दुकान घर से जो है वो दुकान और दुकान से घर बिल्कुल ही क्लियरली विजिबल होता है, सब कुछ दिखता है वहाँ पे. जोए डिडंट फॉलो, और जोए उसके पीछे भी नहीं जाता है. डस्ट इवनिंग तक वो वर्क करता है अपने यहाँ जाके. अब वो अपनी वाइफ को छोड़ चुका है अभी के लिए उस चाइल्ड के पास अकेले. सो अगेन द लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चैम्बर विंडो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्टेड जोए अटेंशन ऑन टर्निंग टुवर्ड्स हिज हाउस. जब वो शाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लगता है, तो वो अपना दुकान बंद करता है, और जब अपने घर की तरफ मुड़ता है चलने के लिए, तो उसका ध्यान जो है आकर्षित करने वाली सबसे पहली चीज़ रहती है उस लिटिल चैम्बर से आती हुई रोशनी जिसमें उसने मैगी को रखा था. ओके, इट वॉज अ गुड ओमेन. ओमेन दैट मीन्स सगुन, आप इसको बोल सकते हैं, गुड शाइन आप इसको बोलिए. एंड द पाथ लेड बाय हिज विंडोज एंड व्हेन अपोजिट ही कुड नॉट हेल्प अस टू लुक इन. जब ये सारी चीज़ें वो देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है उधर देखने से. एंड इट वॉज नाउ डार्क एनफ आउटसाइड टू स्क्रीम हिम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. कहीं ना कहीं जो है अब वो वहाँ पे खड़ा है, उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो सारी चीज़ें देख पा रहा है. मैगी ले अ लिटिल रेज्ड ऑन हिज पिलोज विद द लैम्प शाइनिंग फुल अपॉन द फेस. और वहाँ पे जो लैम्प जल रहा होता है उसमें उस मैगी का चेहरा ग्लो करता रहता है. ये सारी चीज़ें वो अंधेरे में अपने दुकान के पास से ऑब्जर्व कर रहा है.
अपने घर के अंदर में देख रहा है वो, जहाँ पे मैगी जो है वो बैठी हुई है, और उसका चेहरा जो है काफ़ी ग्लो कर रहा है, जो बगल में लैम्प चल रहा है उस वजह से। इट वॉज नाउ डार्क इनफ आउटसाइड टू स्क्रीम फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन द सिमिलर लाइन। मैगी ले अ लिटिल रेस्ट पिलो। मैगी जो है हाफली स्ट्रेस कंडीशन में है, मतलब वो बैठे हुए पोजिशन में है, पिलो के सहारे, वो तकिए के सहारे। ओके एंड मिसेस सॉम्सन वॉज सिटिंग बाई द बेड, और मिसेस सॉम्सन जो है वो बैठी हुई हैं बेड के किनारे, उसी के बगल में। बाई का यूज़ जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, ये एक प्रपोजिशन है। टॉकिंग टू द चाइल्ड बट हर बैक वॉज टूवर्ड्स द विंडो। वो उस लड़की से बात कर रहा है लेकिन उसका जो बैक पोर्शन है वो विंडो की तरफ है। इस वजह से जोए थॉम्सन जो है अपनी वाइफ का फेशियल एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पाता है। एंड सो दैट हर काउंटेनेंस वॉज नॉट सीन। काउंटेनेंस दैट मीन्स उसका जो एक्सप्रेशन रहता है, उसका जो बिहेवियर रहता है, वो अब उसके बातों से पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपीयर नहीं हो रही है, क्लियरली विजिबल नहीं है उसका चेहरा। उसका बैक पोर्शन जो है विंडो की तरफ है, इस वजह से वो अब यहाँ पे गेज करने की कोशिश करता है। किससे? तो मैगी के वर्डिंग से, मैगी के चेहरे से वो अपनी वाइफ के चेहरे को गेज करने की कोशिश करता है। फ्रॉम मैगीज फेस देयर फॉर जोए मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ हिज ऑफ देयर इंटरकोर्स। वो उनके बातचीत का जो मुद्दा है, मेन जो मैटर जो है, वो किस चीज़ से वो रीड करता है, तो मैगी के चेहरे से। एंड ही सॉ दैट हर आईज वेयर इंस्टेंटली फिक्स अपॉन हिज वाइफ। वो देखता है क्या कि उसकी मैगी की जो आईज हैं वो कहीं ना कहीं किस पे फिक्स्ड हैं, तो उसकी वाइफ के चेहरे पे फिक्स्ड हैं। दैट नाउ एंड देन अ फ्यू वर्ड्स कम एज इवन आंसर फ्रॉम हर लिप दैट हर एक्सप्रेशन वॉज सैड एंड टेंडर। मतलब उसके एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, उस मैगी के एक्सप्रेशन को देख के ये लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा जो है टेंडर है। बट ही सॉ नथिंग ऑफ बिटरनेस और पेन। लेकिन कहीं भी जो है ना बिटरनेस और पेन, बिटरनेस में कड़वाहट, मतलब बातचीत के क्रम में ऐसे उसके चेहरे से नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या बहुत ज़्यादा जो है ना बिटर फील कर रही है वहाँ पे, ऐसा उसको नहीं लगता है। अ डीप ड्रॉन ब्रीथ वॉज फॉलोड वन ऑफ रिलीफ एज अ वेट लिफ्टेड फ्रॉम हिज हार्ट। कहीं ना कहीं एक जो भार उसके दिल पे था उस गर्ल को लेके, अपनी वाइफ को लेके, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब वो सच में वो अब उसका जो वो भार है वो लिफ्ट कर लिया गया, वो उठा लिया गया है। ओके ऑन एंटरिंग जोए डिड नॉट गो इमिडिएटली टू द लिटिल चैम्बर। जोए अपने घर पर आता है और वो सीधा उसी चैम्बर में नहीं जाता है, और वो सबसे पहले किचन में जाता है, बिकॉज इफ ही मेड नॉइज, वो ये बात जानता है कि उसकी वाइफ तुरंत ही नीचे चली आएगी। जो आई थॉट इट इट बेस्ट नॉट टू रेफर टू द चाइल्ड नॉट टू मैनिफेस्ट एनी कंसर्न इन रिगार्ड टू हर। वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, वो मैगी का नाम अभी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है एक्चुअल में कि वो अडॉप्ट करे मैगी को। और मैगी को अडॉप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि उसकी वाइफ के मन में उसके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस ले आई जाए। ऑन एंट्री अगेन हाउ सून विल सपर बी रेडी ही आस्क्ड। वो यहाँ पे बोलता है कि भाई सपर जो है, दैट मीन्स डिनर जो है वो रात का खाने को बोला जाता है, वो तैयार कब होगा? राइट सून आंसर्ड जोए थॉम्सन। मिसेस जोए थॉम्सन वहाँ पे रिप्लाई करती है कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे तैयार। बिगनिंग बसल अबाउट देर वॉज नो एविडेंट इन हर वॉइस। अब कहीं ना उसके वॉइस में जो है ना कहीं काइंडनेस झलक रही होती है, दया झलक रही होती है। आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम हिज हैंड द फेस एंड द डस्ट एंड सॉइल ऑफ वर्क। कहीं ना कहीं वो काम करने से जो गंदगी रहती है वो सब धोने के बाद किचन को वो छोड़ देता है एंड वेंट टू द लिटिल चैम्बर। और लिटिल चैम्बर में जहाँ पे मैगी डिपोजिटेड है, मैगी जहाँ पे रेस्ट कर रही है वहाँ जाता है। अ पेयर ऑफ लार्ज ब्राइट आई लुक्ड अप एट हिम फ्रॉम द स्नोई बेड। स्नोई बेड जो रहता है जहाँ पे वो सोई रहती है, उसकी आंखें काफ़ी ग्लो करती रहती हैं, आंखों में काफ़ी ब्राइटनेस रहती है। वो काफ़ी टेंडरली, काफ़ी ग्रेटफुली वो जोए थॉम्सन की तरफ देखती है, मतलब वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। हाउ दिस हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉसम। उसके हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लूम कर चुका है एक फ्लावर, जो लव का फ्लावर है। विथ व्हाट अ क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट्स। और उसको देखने के बाद जोए थॉम्सन का जो हार्ट है वो बीट करना शुरू कर देता है। जोए जो है वहाँ पे बगल में उसके बैठ गया। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जामिन द थीन फ्रेम अंडर द लैम्प लाइट। और वो उसके फेस को जो है ना रीड करता है उस लैम्प लाइट में, और वो वहाँ पे पाता है कि उसके चेहरे पे जो है एक स्वीटनेस है, एक इनोसेंस है,
विच सफर हैड नॉट बीन एबल टू ऑब्लोरेट, कहीं ना कहीं जो सफरिंग थी, जो पाउपर कंडीशन उन लोगों का था, वो भी उस इनोसेंस को हटा नहीं पाया था. योर नेम इज मैगी एंड ही आस्क्ड टू द गर्ल दैट योर नेम इज मैगी, ही शेड एंड ही शट डाउन एंड टुक हर सॉफ्ट लिटिल हैंड इन हिज इन हिज. दैट मीन्स वो उसके हाथ को जो है सॉफ्ट हैंड्स को अपने हाथों में ले लेता है. एक एक लव बाउंडेशन जो था, लव का बाउंड जो उन लोगों के बीच में बना था, इस वजह से वो ऐसा करता है. यस हर वॉइस स्ट्रक अ कॉर्ड विद क्वेवरिंग इन अ लो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक. कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा स्वीट रहती है कि किसी लो म्यूजिक जो होता है, जो कानों में जब क्रीप करता है तो बहुत एक जेंटल एहसास देता है, उसकी आवाज़ भी वैसे ही रहती है. हैव यू बिन सिक लॉन्ग, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जोए के द्वारा मैगी से, क्या तुम लंबे समय से बीमार हो. यस व्हाट अ स्वीट पेशेंस वॉज इन हर टोन, उसके आवाज़ में जो है कहीं ना कहीं पेशेंस रहता है. और वहाँ पे वो रिप्लाई करती है, यस सर हैव द डॉक्टर बिन सीन यू, क्या तुमको डॉक्टर ने एग्जामिन किया है. ही यूज़ टू कम, वो पहले आया करते थे, बट नॉट लेटली, मतलब अक्सर ही ऐसा नहीं होता है. नो मतलब अब की सिचुएशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो नो सर हैव यू एनी पेन, क्या तुमको कोई तकलीफ है. सम टाइम बट नॉट नाउ, कभी कभी होती है लेकिन अभी नहीं है. व्हेन यू हैड योर पेन, कब तुमको तकलीफ होती है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय जोए थॉमसन टू दैट गर्ल. This morning my side aged and my back hurt when you carried me. इस आज सुबह जब आपने अपने बाहों में हमको या फिर अपने हाथों में जब आप उठा के ला रहे थे, तो उस समय मेरे बैक में दर्द हो रहा था. It hurt when you lifted or moved about. जब आपको मूव किया जाता है तो क्या आपको हर्ट होता है, क्या आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है. तो वहाँ पे रिप्लाई देती है वो गर्ल, यस सर योर साइड डजंट एच नाउ, क्या अभी तुम्हारा जो साइड है, जो बैक पोर्शन है, वो दर्द कर रहा है. नो सर डजंट डज इट एच अ ग्रेट डील, क्या बहुत ज़्यादा दर्द होता है. यस सर बट इट इट हैजंट एज्ड एनी सिंस आई हैव ऑन हिज सॉफ्ट बेड. लेकिन जब से हम इस सॉफ्ट बेड पे आए हैं तब से मेरा मतलब मेरा जो बैक पोर्शन है वो दर्द नहीं कर रहा है, या फिर हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है. इससे ये पता चलता है कि वो शायद अपने जीवन में इतने सॉफ्ट बेड पे नहीं थी. तो आप इसके इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि वो लोग काफ़ी शायद गरीब थे. द सॉफ्ट बेड फील्स गुड, वहाँ पे ये पूछता है कि जोए थॉमसन जो है वो पूछता है कि ये सॉफ्ट बेड जो है वो तुमको बहुत अच्छा लगता है. तो ओ यस सर सो गुड, बहुत अच्छा है. व्हाट अ सेटिस्फेक्शन, मिगल्ड विद ग्रेटिट्यूड. मिगल्ड दैट मीन्स मिक्स्ड, उसमें सेटिस्फेक्शन था, उसमें ग्रेटिट्यूड थी, एंड वॉज इन हर वॉइस, उसके वॉइस में जो था वो ये सारी चीज़ें मिगल्ड थी. जब वो बोली तो उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन झलक रहा था कहीं ना कहीं. एंड सपर इज रेडी, जोए थॉमसन, मिसेज जोए थॉमसन जो है या जेन थॉमसन जो है वो वहाँ आती हैं और बताती हैं कि जो सपर है वो रेडी हो गया है. लुकिंग ऑन द रूम लिटिल आफ्टर वार्ड, ओके जोए थॉमसन ग्लांस्ड फ्रॉम हिज वाइफ्स फेस टू दैट ऑफ मैगी. जोए थॉमसन जो है वो अपनी वाइफ के चेहरे को रीड करता है, फिर मैगी की तरफ देखता है. शी अंडरस्टूड हिम एंड आंसर्ड, वो वहाँ पे सी अंडरस्टूड हिम, वो गर्ल जो है कहीं ना कहीं वो समझ जाती है, और वहाँ पे वो जोए जेन थॉमसन वो समझ जाती हैं और उसके बाद वो जवाब देती हैं. शी कैन वेट अंटिल वी आर डन, देन आई विल ब्रिंग हर ईट समथिंग टू ईट. मतलब यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि वो थोड़ा वेट करेगी, जब तक हम लोग अपना सफ़र ख़त्म कर लेंगे फिर हम आके इसको कुछ दे देंगे खाने के लिए. एंड देर वॉज एन एफर्ट एट इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन, बट हर हस्बैंड हैड नॉट सीन हर थ्रू द विंडो. कहीं ना कहीं जोए थॉमसन जो है ऑब्जर्व किया रहता है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन को वो रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो बैक पोर्शन रहता है वो विंडो की तरफ रहता है. अंडरस्टूड दैट द कोल्डनेस वॉज अज्यूम्ड, और कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि जो हॉट टेम्परामेंट था वो कन्वर्ट कर चुका है. कहीं ना कहीं मेरी वाइफ के मन में जो है वो अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब वो काइंडनेस आ चुका है, वो पिटीनेस आ चुका है, जो ह्यूमिनिटी जिसको बोली जाती है. जो वेटेड आफ्टर सिटिंग डाउन ऑन द टेबल, जो है नीचे अपने टेबल पर बैठता है. फॉर हिज वाइफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट अटर मोस्ट इन बोथ ऑफ देयर थॉट्स, मतलब वो वहाँ पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बिना बोले ही उनके आंखों में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे उस सफर टाइम में कोई बात नहीं होती है. बट सी केप्ट साइलेंस ऑन दैट थीम दैट मैटर, सी केप्ट साइलेंस फॉर मेनी मिनट्स एंड ही हैड मेंटेन लाइक अ रिजर्व, और वो बिल्कुल ही रिजर्व है, मतलब बिल्कुल ही उस मैटर पे कोई बात ही नहीं होती है. और एट लास्टली शी शेड समथिंग टू जोए थॉमसन, ओके though I have though we have completed almost the whole chapter. In my next video I will complete this chapter. Okay, thank you.